कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का एक प्रश्न है। किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, इस पर 15 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। आंसर के विकल्प दिए हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कौन सा इसमें आंसर सही होगा। आइए इसको हल करके देखा जाए। देखिए, प्रश्न को पढ़ने से दो चीजें ज्ञात होती हैं। पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम स्मॉल m से लिखते हैं क्योंकि मास, मास माने द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम, शॉर्ट में लिखा किलोग्राम। फिर बल कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। बल यानी फोर्स, फोर्स को F से लिखते हैं। कितना लग रहा है? 15 न्यूटन का। पूछा क्या गया है? त्वरण, त्वरण पूछा गया है। एक्सेलरेशन यानी A, ये क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र हमको पता है, सूत्र गति का जो द्वितीय नियम है उसके द्वारा किसी वस्तु पे लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सूत्र है, यानी F बराबर m गुणा a। तो अब F का मान रख देंगे 15, m का मान रख देंगे 5 और a आपको ज्ञात करना है। ये 5 इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होगा, 15/5, ये a इधर ही रहेगा, काट देंगे 3 बार कटेगा, यानी 3 बराबर a, इसको सीधा लिख लेंगे, यानी a बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान कितना आया? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर है।